हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TCS एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों आप सभी को सूचित हुआ होगा कि TGT PGT की नोटिफिकेशन आने वाली है। ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला टीचिंग के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। आज हम इसी TGT PGT के सिविक सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों प्रीएम्बल को सेलेक्ट करने के लिए या प्रीएम्बल टॉपिक को चुनने की जो मेन वजह है वो ये है कि कहीं ना कहीं मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए जो हर मायने में उपयोगी हो और साथ ही साथ उसका आपके दैनिक जीवन में किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी बच्चे के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरल अवेयरनेस के लिए जानी जानी चाहिए, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए स्कॉलर आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए। तो देर ना करते हुए प्रीएम्बल को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीएम्बल की क्या खास बातें हैं, उसकी क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हैं, इसके साथ ही साथ उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है, इन सब के बाद उसकी क्या फीचर हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, हमारे प्रीएम्बल को फॉर्म करने में कौन कौन सी आइडियोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक नज़र पहले हमारे प्रीएम्बल के स्वरूप पे डाल दीजिए और आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे प्रीएम्बल का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। दोस्तों फॉर्मेट देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जितने शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनके पीछे एक पूरी अवधारणा है। और बिना पूरी अवधारणा को समझे, बिना प्रीएम्बल की हर टर्मिनोलॉजी की मीनिंग और एग्जीक्यूशन को समझे, हम एक क्लियर नहीं कर सकते कि संविधान वास्तव में किन लक्ष्यों, किन सिद्धांतों पर काम कर रहा है। तो संविधान की जो पूरी बात है उसको समझने के लिए उसके शुरुआत से हमको चीजों को समझना आवश्यक है। दोस्तों अगर हम संविधान की प्रस्तावना की ऐतिहासिक बिंदु की पड़ताल करें तो आप पाएंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में सामने आई थी और उस समय उसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में इस पर काफी डिस्कशंस हुए, इस पर काफी चर्चाएं हुई। इसके बाद ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि ये उद्देश्य प्रस्ताव का जो रेजोल्यूशन था वो संविधान सभा ने हमारे पास कर दिया। और जाहिर है कि आगे चलकर जब हमारा संविधान बना तो यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का आधार बना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ शब्दों को छोड़ करके ज्यादातर शब्दों को एज इट इज हमारे संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। तो ऐतिहासिक रूप से आपको दो डेट याद करनी है। पहली ये कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पर हमारे प्रीएम्बल को प्रस्तावित किया गया था और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद अब ये जानने की कोशिश करनी है कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उनके शब्दों को हम कैसे डील करते हैं और उन शब्दों के निहितार्थ क्या हैं। तो दोस्तों इन शब्दों के क्या निहितार्थ हैं, संविधान की प्रस्तावना में जो चीजें प्रयुक्त हुई हैं उनके मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर और ड्रा किया है, उसको आप एक नजर देख लीजिए और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज हमने कैटेगराइज की है वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो पहला टर्म इस्तेमाल हुआ है, हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
यहां हमने ये चीज मेंशन की है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत कौन है। संविधान की प्रस्तावना ही नहीं बल्कि संविधान का स्रोत कौन है, तो इसका जवाब बहुत आसानी से आप यहां पाते हैं, वो हमारे भारत की जनता है। यहां जो हम वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दरअसल वो हम वर्ड एक ऐसा इंटीग्रेटेड वर्ड है जिसमें भारत की भूगोल पर, भारत के जो टेरिटरी है उसके ऊपर रहने वाले उन सभी लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी ओरिजिन के हों, वो सभी लोग इसी हम के अंदर समाहित हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक इंटीग्रेटेड वर्ड वी के द्वारा हमने अपने देश के सभी नागरिकों को रिप्रेजेंट किया है। और उसी के आगे का जो वाक्यांश है वो है हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो टेक्निक है लिखने की प्रीएम्बल, ये हमसे पहले ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन में यूटिलाइज की जा चुकी है, वहां पर भी वी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वो लगा करके लिखा जाता है, और उस वी को जो रेफरेंस मिलता है वो वहां की जनता के रूप में मिलता है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो इस बात की है कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, और स्वरूप में जो मुख्य बातें हैं वो पांच हैं। पहली चीज है कि हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। आप जानते हैं संविधान में पहले समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, उसे बाद में जोड़ा गया है, अभी हम इस पर आगे आते हैं। अगला वर्ड है लोकतंत्रात्मक, और इस सीरीज का अगला वर्ड है गणराज्य। आइए पहले इन पांचों वर्ड्स की लिटरल मीनिंग और एप्लीकेशन हमारे संविधान में कैसा है इसे समझ लेते हैं। दोस्तों जो पहला वर्ड है उसे हम कहते हैं सोवरेन। इंग्लिश का सोवरेन वर्ड ही हिंदी का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। आप जानते होंगे कि सोवरनिटी एक ऐसा टर्म है जिसे कई सारे राजनीतिज्ञों ने राज्य का प्राण तत्व कहा है, यानी उनके अनुसार अगर किसी राज्य में सोवरेनिटी नहीं है तो वो राज्य सिर्फ शरीर है, उसमें आत्मा नहीं है। यानी ये इतना महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो राज्य के लिए एक तरीके की ड्राइविंग फोर्स है, इनर्जी है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे संविधान में जो सोवरेन टर्म इस्तेमाल हुआ है उसकी मायने क्या है। दोस्तों संप्रभुता का लिटरल मीनिंग ये होता है कि कोई भी राज्य तभी संप्रभु होता है जब वो अपने सभी मामलों से किसी भी बाह्य शक्ति से स्वतंत्र हो। अब समझना यहां पर यह है कि किसी भी देश में किस प्रकार के मामले होते हैं। तो दोस्तों जब दुनिया छोटी थी, टेरिटरीज छोटी हुआ करती थी, लोगों के कनेक्शन कम हुआ करते थे, दूसरी दुनिया से लोगों का जुड़ाव नहीं था, तब सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अफेयर्स होते थे, जो हमारे यहाँ गतिविधियाँ होती थी वो सिर्फ आंतरिक होती थी। लेकिन आज दुनिया ग्लोबल विलेज तक पहुँच गई है, तो आप स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि आज दुनिया के इतने बड़े होने के कारण हमारे पास दो स्तर की चीज़ें हो गई हैं। पहला स्तर वो है हमारा घरेलू स्तर, घरेलू स्तर का मतलब ये हुआ कि आंतरिक, और दूसरा है बाह्य या वैश्विक स्तर, यानी कि जो ग्लोबल सरफेस पे है। तो आंतरिक मामलों में वर्तमान में ज्यादातर देश स्वतंत्र हैं, यानी संप्रभु हैं। बाह्य मामलों में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो आपको ऐसे समझेंगे। देखिए बाह्य मामलों में जैसे युद्ध है, शांति है, संधि है, मित्रता है, इनको करने के लिए कुछ में हम बायलेटरल हैं, यानी कि हम जिससे मित्रता करना चाहें वो और हम अगर एग्री करते हैं तो इस पर हमारे संबंध विकसित हो सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हैं संबंध जिनके लिए वैश्विक संस्थाओं का बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने नाम सुना होगा WTO, WHO, ये वो संस्थाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आचार व्यवहार को विनियमित करती हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में कोई भी देश अगर संप्रभुता को तलाशा जाए तो वह आंतरिक मामलों में पूर्ण संप्रभु की स्थिति में है, लेकिन बाह्य मामलों में वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संधियों
इत्यादि से बधा हुआ है। तो अब समझना क्या है, समझना यह है कि क्या इनफैक्ट कंप्लीट सोवरनिटी पाई जाती है हमारे राज्य में। तो इनफैक्ट कंप्लीट सोवरनिटी नहीं पाई जा रही है, बल्कि वो एक रिलेटिव फॉर्म में है, और वही हमारी आज के सभी दुनिया के सभी देशों में जो राज्य संस्था कायम हुई है उसका आधार है। नेक्स्ट वर्ड जो इसमें है वो है समाजवादी। दोस्तों ये जो समाजवादी टर्म है, मैंने जैसा कि शुरू में अभी कहा कि ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, इसको हमारे यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट में और भी दो वर्ड्स जोड़े गए थे, वो दोनों वर्ड्स अभी हम आगे एक साथ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अभी हम समाजवादी वर्ड्स की मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों समाजवादी जो शब्द है इसका मतलब लिटरल तौर पे तो ये होता है कि कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य के सभी साधनों पर सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो, बल्कि प्रत्यक्ष नियंत्रण हो। लेकिन अगर आप वर्तमान में खंगालें तो आपको ये स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि आज जो संसाधन है वो कुछ और क्षेत्रों में बटे हुए हैं। जैसे निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में भी घरेलू जो व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, उनके बीच में, और जो बाहरी यानी कि दूसरे देशों के उद्यमी जो हमारे देश में काम कर रहे हैं उनके बीच में। तो कहने का मतलब है फिर ये समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है वो जिस समय हमारे संविधान में आई उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो उसका कंट्रीब्यूशन ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आप ये जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश के सभी लोगों का, सभी वर्गों का योगदान रहा। तो आज़ादी के बाद ये आवश्यक हो गया कि सरकार ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को डेवलप करे, ऐसी आइडियोलॉजी को डेवलप करे जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सरकार के अंदर शक्ति महसूस हो, या यूं कहें कि सरकारी कार्य से वो जुड़ा महसूस कर सके, सरकारी योजनाओं से वो लाभान्वित हो सके। कहने का मतलब ये हुआ कि वो समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि इस विचारधारा के अंतर्गत सरकार निश्चित रूप से देश के नागरिकों को, इनफैक्ट सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समाजवाद की अवधारणा है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं आर्थिक और लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए लाई गई है, जिसमें आर्थिक में हमारी कोशिश ये है कि हर हाल में जो संसाधन है हमारे देश में वो किसी एक फर्म या किसी एक व्यक्ति या कॉरपोरेट में कॉन्सेंट्रेटेड ना होने पाए, बल्कि हमारे देश के रिसोर्सेज पर इस प्रकार से वितरण हो कि यहाँ पर रहने वाले, उपलब्ध रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको निश्चित रूप से उन रिसोर्सेज की पूर्ति की जा सके। उसके बाद जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि लोकतांत्रिक समाजवाद को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो हमारे संविधान लागू होने के साथ ही एग्जीक्यूट हो चुका है, और वो राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है उसके आधार पर ही एग्जीक्यूट हो गया था। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हमारे यहाँ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को एग्जीक्यूट हो गया तो उसी दिन से हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली लागू कर दी गई। इसका ये मतलब होता है कि इस देश के नागरिक को सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के आधार पर, यानी कि वो एज क्राइटेरिया एक डिसाइड की गई उसके आधार पर वोट करने का राइट दे दिया गया, और इसमें यह वोटिंग राइट पूरे देश के हर व्यक्ति को प्रदान कर दिया गया। तो आप ये साधारण रूप से समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूप से समाजवाद की जो अवधारणा थी वो वहीं से प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। और ये ना सिर्फ राजनीतिक अवधारणा आप समझिए, बल्कि ये आप ये भी समझ सकते हैं कि इसके द्वारा हमने राजनीतिक न्याय की अवधारणा को भी सुनिश्चित किया। इसके बाद अगला जो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है पंथ निरपेक्ष। दोस्तों हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है वो इंग्लिश का सेक्युलर है, और ये वर्ड अभी अगर वर्तमान में भी आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा डिबेट का विषय है। कई बार ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर क्या है, इसके लिटरल मायने क्या है।
तो पंथ निरपेक्ष एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक बहुत डिटेल लेक्चर की जरूरत है, वो हम आगे की किसी क्लास में कंप्लीटली कवर करेंगे। अभी के अकॉर्डिंग हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसकी आइडियोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। दरअसल ऐसा माना जाता है और ये हद तक अनुभव भी किया गया कि कोई भी लोकतांत्रिक समाज तभी अक्षुण रह सकता है जब उसमें संविधान के अलावा किसी और शक्ति का जो हस्तक्षेप हो वो न्यूनतम हो। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। मेरा इशारा ये है कि कोई भी लोकतांत्रिक समाज तभी सर्वाइव करेगा जब वहाँ संविधान सबसे ऊपर हो, ना कि कोई धार्मिक बुक, धार्मिक मान्यताएं या धार्मिक रूल आचरण कुछ भी। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस बात की बहुत अनुभव के बाद यहाँ पर स्थापना की कि हमारा देश एक ऐसा देश बने जिसमें संविधान सर्वोपरि हो, लोगों के बीच एक दूसरे के धर्मों का आदर हो और किसी भी हाल में राज्य और धर्म का घालमेल ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। अब यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी आपको, बात ये समझनी पड़ेगी फिर राज्य का और इंडिविजुअल सिटीजन का सेक्युलरिटी के परिप्रेक्ष्य में स्टेटस क्या है। तो राज्य का स्टेटस ये है कि उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रहे कि राज्य के पास तो अपनी कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है और उसे संरक्षित करता है। इसी के तहत हमारे संविधान के भाग 3 में जब मौलिक अधिकारों का प्रोविजन किया गया तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तृत जो है वो व्याख्या की गई है। अब दूसरी बात जो मैंने कहा कि इंडिविजुअल सिटीजन का क्या मतलब है, तो इंडिविजुअल सिटीजन को सेक्युलर एलिमेंट को जो उसे कैरी करना है, उसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो इस बिंदु पर करनी है कि वो अपनी आइडियोलॉजी बिलीफ वर्शिप को आगे बढ़ाए, साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखे कि दूसरे मजहब या दूसरे पंथों को भी वो किसी भी हाल में साथ लेके चल सके, उनकी भावनाओं का, उनके कामों का, उनके धार्मिक रीति रिवाजों का आदर कर सके। यानी वो कुल मिला जुला करके एक टॉलरेबल पर्सन बने, एक टॉलरेंस की कल्चर डेवलप हो। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति से सेकुलर होने की जो उम्मीद संविधान ने की है वो इसी आधार पर की है कि वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी आदर करे। लेकिन राज्य के स्तर पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारे देश में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। अगला जो वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है और संचालित भी की जाती है। इसको समझने के लिए आपको वो प्रसिद्ध कथन याद होगा कि जिसमें ये कहा गया है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। यानी इसके रिसोर्स भी जनता है, इसके शक्ति का स्रोत भी जनता है, इसको एग्जीक्यूट भी जनता करेगी और इसकी प्रैक्टिस भी जनता को ही करनी है। यानी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसके केंद्र में जनता हो, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। अब समझना यहाँ पर ये है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एक लोकतंत्र का जो एग्जीक्यूशन है वो किन शासन प्रणालियों के माध्यम से होता है। तो दुनिया में दो प्रकार की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, पहली अध्यक्षीय शासन प्रणाली, दूसरी संसदीय शासन प्रणाली। आप देखते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, हमारे देश में, ब्रिटेन में, यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। यानी कि हमारे देश में संसद कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है और संसद की जो कार्यपालिका है उसमें हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, ये सभी लोग मिलकर के हमारी कार्यपालिका बनाते हैं। इस पर हम पूरी डिटेल लेक्चर लेंगे, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि लोकतंत्र का हमारे प्रेम्बल में मतलब क्या है। तो लोकतंत्र का प्रेम्बल में सिर्फ इतना मतलब है कि भारत में एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित होगी जिसका संचालन नियमन जनता करेगी, जो जनता के लिए होगी, जनता की इच्छा से चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र
जिसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सबसे बड़ा पद है, वो नॉमिनेट ना होता हो, वो हेरिडिटरी ना होता हो, बल्कि जनता द्वारा इलेक्ट होता हो। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा एक राज्य का जो सबसे बड़ा सुप्रीम अथॉरिटी है वो जनता द्वारा चुना जाता हो। आप जानते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति हमारे यहाँ का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और वो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति हमारे देश का ना तो आनुवंशिक होता है, ना नॉमिनेट होता है, बल्कि उसका चुनाव जनता द्वारा होता है। हाँ, ये जरूर आपको याद रखना है कि जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और उसमें पार्टिसिपेशन जनता के प्रतिनिधि करते हैं। अगला जो वर्ड हमारे सामने है वो तीसरी कैटेगरी में आएगा, वो है कि हमारे संविधान का या हमारे संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो उद्देश्य का सेक्शन है उसमें कई सारे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जो पहला वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है न्याय। और न्याय शब्द के अंतर्गत तीन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तीन में क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में कई बार इस क्रम को अरेंज करने के लिए आ जाता है या कभी पूछ लेता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जिस ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन को हमें उपलब्ध कराया है हमारे संविधान निर्माताओं ने, हम कोशिश करें कि उस ऑर्डर को हूबहू समझ सकें। तो न्याय की जो अवधारणा है उसमें तीन वर्ड इस्तेमाल हुए हैं और वो इसी क्रम में है जैसा मैं बता रहा हूँ। पहला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। समझना यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ जो न्याय का कॉन्सेप्ट है उसमें ये तीन वर्ड क्यों लाए गए और इन तीन वर्ड को कैसे हमारे संविधान ने एग्जीक्यूट किया बाद में। तो जो पहला वर्ड है सामाजिक न्याय, ये बहुत अहम है। ये इसलिए अहम है क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी में सभी लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फिर ये होगा कि जो उसमें पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग रूलर कैटेगरी में हैं, जो शासन में शामिल हैं, वो लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो जनता है, वो जनता के जो और भी पिछड़े वर्ग हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो ये आवश्यक होता है कि किसी भी हाल में ये सुनिश्चित किया जाए कि एक सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सके। दोस्तों, सामाजिक न्याय के तहत हमको यही इंश्योर करना होता है कि राज्य या सरकार किसी भी प्रकार से नागरिकों के समक्ष जाति, भाषा, धर्म, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। यानी कि जो हमारी सामाजिक पहचान है उसके आधार पर ना तो किसी को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेज मिले और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया जाए या एक्सप्लॉइट किया जाए। अब यहाँ एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे सोशल जस्टिस के लिए कई बार प्रिविलेजेज की ज़रूरत पड़ जाती है। वो इस प्रकार से पड़ती है कि अगर कोई ऐसा वर्ग है जो सदियों से किसी भी प्रकार की ऐसी कल्चर में जी रहा है जिसमें उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि जब ये अवसर आए कि हम उसको स्पेशल प्रिविलेज दे के मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में ला सकें, तो ये एक राज्य की जिम्मेदारी बनती है, और ख़ासकर तौर पे तब जब वो राज्य कल्याणकारी हो, न्याय वाला हो। तो हमारे संविधान में कुछ जगहों पर, स्पेशली फंडामेंटल राइट में भी कुछ प्रिविलेजेज की बात की गई है जो सोशल जस्टिस के लिए ही है। वो हम अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझना जरूरी है कि हमारे देश में पहले जो न्याय की कॉन्सेप्ट है वो सामाजिक न्याय है। दूसरा जो है वो है आर्थिक। आर्थिक न्याय की अवधारणा भी हम थोड़ी देर पहले ये बताए थे कि इसका मूल ये है कि किसी भी प्रकार से संसाधनों का किसी एक व्यक्ति अथवा फर्म में संकेंद्रण ना हो, बल्कि इस प्रकार से इसका वितरण हो कि सभी के तक कुछ न कुछ पहुंच सके। यानी कि जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो सभी की पूरी हो सके और जो भी हमारा रिसोर्स है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो। तीसरा और जो इम्पॉर्टेंट है अगला, वो है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। और इसकी आपको मैंने पहले ही कह रखा है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था
उसी समय हमारे देश में राजनीतिक न्याय की अवधारणा को लागू कर लिया गया था। उसका मैंने एक उदाहरण उस समय दिया कि हमारे देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली लागू कर दी गई, जिसके आधार पर किसी भी वर्ग को, किसी भी अगड़े को, किसी भी पिछड़े को, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के सभी व्यक्तियों को सिर्फ एक मिनिमम एज क्राइटेरिया के आधार पर वोट देने की लिबर्टी दे दी गई, वोट देने का राइट दे दिया गया। और ये वो राइट है जो डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करता है। अब दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि राजनीतिक न्याय कैसे हमने एग्जीक्यूट किया। दोस्तों आपको पता होगा, आजकल इस पर बहुत बहस भी है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उनकी कोई एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। इसका भी हल इसी बात में नहीं थे कि हमने जनता के रिप्रेजेंटेटिव को किसी एलिजिबिलिटी में इसलिए नहीं बांधा क्योंकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जनता की वास्तविक इच्छा से ही वो लोग चुन के आए हुए हैं, और वहां पर यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि एक व्यक्ति इस लोकतंत्र में वो चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, चाहे उसके पास आर्थिक संसाधन हो चाहे ना हो, चाहे वो किसी राजा खानदान से आता हो चाहे सामान्य वर्ग से आता हो, प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश की शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सके। यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल जो राजनीतिक न्याय है उसकी अवधारणा हमारे संविधान में शुरुआत से ही एग्जीक्यूट की जा चुकी है। इसके बाद अगला जो वर्ड है वो है स्वतंत्रता। दोस्तों आप इस बात से परिचित होंगे कि स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जो दुनिया के प्रत्येक जीव के लिए बहुत आवश्यक है, ना सिर्फ मनुष्य जाति के लिए ही बल्कि प्रत्येक जीव। और आप ये कहें कि सबसे बड़ी ह्यूमन क्वालिटी और सबसे बड़ी ह्यूमन नीड अगर है लाइफ को सस्टेन करने के लिए तो वो स्वतंत्रता ही है। बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि उसके नागरिक स्वतंत्रता का अनुभव ना करते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता अपने आप में एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसके ना होने से विकास के सारे रास्ते, तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि ना सिर्फ भौतिक प्रगति बल्कि किसी भी प्रकार की प्रगति इसमें बाधित हो जाती है। तो स्वतंत्रता के स्तर पे हमारे संविधान की प्रस्तावना में आपने देखा कि 5 प्रकार की चीजों को रखा गया है। पहला क्या है, पहली स्वतंत्रता में जो बात रखी गई है वो विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, धर्म है और उपासना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय के बाद जिस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है वो है स्वतंत्रता। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक बार सवाल किया गया कि आप क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता को कैसे अक्षुण रखा जा सकता है, तो उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया था और उन्होंने ये कहा था कि स्वतंत्रता सही मायनों में तब तक नहीं हम अक्षुण रख सकते जब तक हम सामाजिक न्याय और समता को सुनिश्चित नहीं कर देते। तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट का जब आप चैप्टर उठाते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार बाद में है, उससे पहले समता या समानता का अधिकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जो अगली चीज हमारे प्रीएम्बल की है वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये इसलिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति अगर वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखता है तो उसे राज्य प्रत्येक दशा में बिना किसी विभेद के अवसर प्रदान करे, यानी कि अपॉर्चुनिटी उसे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर मिलनी चाहिए और उसे पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है। प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि जिस भी पोजीशन पर वो है उसे उस पोजीशन की सभी मानवीय चीजें मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उसे उसकी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। इसके बाद अगला जो वर्ड है वो व्यक्ति की गरिमा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी जो वर्ड है दोस्तों, ये डिग्निटी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो एक तरीके का सर्किल है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है। एक छोटे बच्चे के अंदर भी कोई किसी न किसी सर्किल में डिग्निटी होती है, लेकिन एक युवक के या एक ऐसे व्यक्ति की जो किसी भी पोस्ट पोजीशन पे है उसकी डिग्निटी में और एक
शिशु की डिग्निटी में फर्क होता है। तो डिग्निटी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिस पोजीशन पर है वो उस पोजीशन पर कैसा अनुभव कर रहा है, यानी सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि डिग्निटी एक ऐसी सेल्फ एक्सपीरियंस करने वाली चीज है जिससे व्यक्ति जो है वो अपने काम की तरफ मोटिवेटेड रहता है और वो स्वयं को एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में देखता है। नेक्स्ट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे संविधान में अगला जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द है ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों से बना है। पहला वर्ड वो ये है राष्ट्र की एकता, दूसरा अखंडता। एकता किसके बीच में हो और अखंडता किसके बीच में हो ये हमें समझना बेहद आवश्यक है। एकता इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एकता शब्द का मतलब लोगों के बीच की यूनिटी से है, लोगों के रिलेशन से है, लोगों के कोऑर्डिनेशन से है, लोगों के रहने के एक साथ रहने की प्रवृत्ति से है। यानी कि एकता का मतलब आपस में मिलजुल कर रहना है, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना है, आपस में एक दूसरे के साथ चलना है। अखंडता क्या है? अखंडता ये है कि हमारा जो राज्य बना है उसमें कई सारे प्रांत हैं, कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे धर्म हैं, इनकी निजता को बरकरार रखते हुए एक इंटीग्रेटेड वे में हमारा नेशन दिखाई दे। कहने का मतलब ये है आंतरिक स्तर पर हम धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, प्रांत इत्यादि में बटे हैं, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम इसको इकट्ठा रख दें तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश एक है। अब समझना आपको पड़ेगा कि राजनीतिक रूप से इसे हमने कैसे अपनाया। तो आपको याद होगा कि हमारे संविधान में इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, वो हमारी यूनिटी के लिए है। लेकिन हमारे देश का जो निर्माण हुआ है वो क्या है? वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब ये हुआ कि कई कई राज्य हैं जिनका अपना अस्तित्व है और उनसे मिल करके हमारा एक संघ बना हुआ है। तो दोनों अवधारणाएं हमारे संविधान में लागू की गई हैं। नेक्स्ट बात जो समझने वाली है वो है बंधुता, ब्रदरहुडनेस, फ्रेटर्निटी। बंधुता शब्द इसलिए भी अहम है क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज में वो लोकतंत्र तभी सही मायनों में संचालित होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जब उसे इस मूल्य का आत्मसात करने की शक्ति होगी कि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान के समक्ष बराबर है, चाहे वो जिस भी भाषा, प्रांत, जाति, धर्म इत्यादि से क्यों ना संबंधित हो। यानी ब्रदरहुडनेस की जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर आधारित है कि हम संविधान के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप से आदर देंगे। और इस बात को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी स्टेटस बिफोर लॉ, ये जो प्रिंसिपल है इसको एग्जीक्यूट किया था। यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो चीज है वो इसी बात को सुनिश्चित करती है कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं संविधान और कानून के सामने एक स्तर पर है, बराबर है। यानी कि देयर इज नो इंडिविजुअल डिफरेंस बिफोर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो बंधुता एक बहुत अहम शब्द है। इन शब्दों को समझने के बाद अभी हमने जब लेक्चर की शुरुआत की थी तो इस बात का आपसे जिक्र किया था कि हमारे संविधान में एक बार संशोधन हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संविधान में तीन नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ध्यान रहे दोस्तों, जो वर्ड मैं बता रहा हूं इसको आप याद कर लीजिए। तीन वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों के मायने हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सिर्फ इसको मैं इसलिए रेफरेंस दे दिया क्योंकि आप ये समझ सकें कि जो ये वर्ड्स आए हैं ये हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये संशोधन कब हुआ, कौन सा संशोधन रहा? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लगभग 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे। तो उसी में एक अमेंडमेंट हमारे प्रेम्बल में भी था जिसके तहत 3 वर्ड्स नए जोड़े गए। इसके बाद जो चीज समझने वाली है और एक स्कॉलर के तौर पर आपको जानना बेहद ज़रूरी है वो ये है कि प्रस्तावना की लीगल स्टेटस क्या है, विधिक स्थिति क्या है। दोस्तों पीसीएस 2019 में एक सवाल आया और उसमें ये सवाल था कि प्रस्तावना की विधिक स्थिति है, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ इंडियन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा था कि ये प्रवर्तनीय है, ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर है, इनमें से कोई नहीं। बड़ा दिलचस्प सवाल है, जवाब इसका मैं पहले ही दे दे रहा हूं। इसका जवाब है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल है। जैसा आप जानते हैं कि आपके संविधान में डीपीएसपी भी प्रवर्तनीय नहीं है। अब यहाँ यह समझना पड़ेगा कि संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल से रिलेटेड वो कौन से केस हैं जो इसकी स्टेटस को तय करते हैं, इसकी स्टेटस को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक केस जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है वो वेरवारी का है और ये केस वेरवारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का है, 1960 में आया हुआ था। इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ये हुआ कि प्रीएम्बल संविधान का भाग ही नहीं है और जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ एक चीज और इम्पॉर्टेंट डिसीजन में थी, वो ये थी कि यद्यपि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का रोल संविधान की कुंजी के रूप में है। यानी बेरुवारी के डिसीजन में एक बात तो तय हो गई कि प्रेम्बल कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि जिसे यूं ही पास कर दिया जाए, ये बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस बात को इस डिसीजन में इंक्लूड किया गया और इसी डिसीजन में उसे संविधान की व्याख्या के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद 13 साल बाद वो लैंडमार्क जजमेंट आया केशवानंद भारती का, जिसे आप सभी लगभग परिचित होंगे, जिसमें 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य का जो केस हुआ उसमें संविधान की प्रस्तावना के लिए 2 डिसीजन आए। पहला डिसीजन जो वेरवारी में था वो रिवर्स हो गया, यानी कि वेरवारी में था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में डिसीजन माननीय न्यायालय का ये आया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा है, यानी अभिन्न अंग है। दूसरी चीज जो इसमें आई वो ये थी कि जो प्रस्तावना है उसमें संसद संशोधन कर सकती है और ये 368 आर्टिकल 368 का वायलेशन नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्या जैसा चाहेगी वैसा संशोधन कर सकती है। दोस्तों इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया और वो था थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, स्टेचुटरी स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, की मूल ढांचे का सिद्धांत। और उसने अपने डिसीजन में ये बात इंक्लूड की कि यद्यपि संसद जो है वो हमारे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी, लेकिन मूल ढांचे को बरकरार रखते हुए, यानी संसद को अब संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति है लेकिन इस बात का लिमिटेशन है कि वो मूल ढांचे को खत्म या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मूल ढांचे को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई हैं, तकरीबन 20 से ज्यादा फैक्ट्स उसमें हैं। दोस्तों केसेज को समझने के बाद जिस चीज को अब समझना बाकी है वो ये है कि हमारे प्रस्तावना की यूटिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात तो कुछ भी तथ्य बताने से पहले मैं 2 लोगों का स्टेटमेंट आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है वो कृष्णा स्वामी अय्यर का है। आप जानते हैं कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके ये बेहद इंपॉर्टेंट मेंबर थे, साउथ इंडियन थे। उन्होंने कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि हमारा देश कैसा होगा, हम कैसे राज्य के रूप में विकसित होंगे,
इस सब चीज़ों की जो नुमाइंदगी है वो हमारी प्रस्तावना करती है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक अहम मेंबर और थे, के एम मुंशी। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक राज्य की जन्म पत्री है, यानी इनके हिसाब से वो प्रेमबिल ही है जो सभी चीजों के बारे में जो हमारे संविधान ने निर्धारित किए हैं लक्ष्य और जैसा हमने भारत बनाने की कल्पना की है उन सभी के बारे में बताती है। यानी प्रीएम्बल इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से संविधान के लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं तथ्यों की बात करूं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो वही है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई सारे सदस्य इस बात पर सहमत थे और उन्होंने अपने डिबेट्स में कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको कहा बेरवारी केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है और वो संविधान की प्रस्तावना में बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक है। तीसरी चीज, संविधान की प्रस्तावना किसी भी दशा में भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता और न्याय, बंधुता और साथ ही साथ हमारे राज्य का क्या स्वरूप होगा इसकी प्रतिनिधित्व करती है, इसको बताती है। चौथी चीज, हमारे प्रस्तावना में हमारे संविधान की सभी अवधारणाओं की एक प्रतिबिंब देखने को मिलता है, वो आप वहां से समझ सकते हैं। वर्तमान में हमारे प्रस्तावना का इम्पोर्टेंस इस बात में भी और बढ़ जाता है कि जब अब हम हाल ही में अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और देश 74 साल की लोकतांत्रिक यात्रा को तय कर चुका है, अभी भी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस, कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे कई सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हमको ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रीएम्बल को पढ़ना और समझना और उसे अपनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रीएम्बल जब शुरू होती है तो वो हमसे शुरू होती है जो इस भाव को लिए हुए है कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो संविधान है, इसके नियंता भी हम ही हैं, इसके संचालनकर्ता भी हम ही हैं, इसके अनुपालनकर्ता भी हम ही हैं। दोस्तों, इसके बाद अब आखिर में जो अपने लेक्चर में मैं जो चीज़ इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रस्तावना में अभी तक कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, पहले ही मैंने जिक्र कर दिया कि इसके जितने वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, सभी वर्ड्स प्रीएम्बल के सभी जो शब्द हैं वो एग्जामिनेशन में किसी न किसी रूप में पूछे जाते रहे हैं। कभी ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में है, कभी ये कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो यानी सभी शब्दों को आपको याद कर लेना है और समझ लेना है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना कितने वाक्यों में लिखी हुई है ये पूछा जाता है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना केवल और केवल एक वाक्य में लिखी हुई है। दोस्तों, ज़्यादातर किताबों में ऐसे सवाल किसी भी वे में एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, लेकिन आप पढ़ोगे तो अंदर से सवाल खुद ब खुद निकल आएंगे। तीसरी चीज, संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। संविधान में कितनी प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है। और भी कौन कौन सी आइडियोलॉजी पे बात की गई है वो भी आपको याद रखना है। और आखिर लेकिन अंतिम नहीं, आखिर सवाल ये कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। दोस्तों, ये रहा संविधान पर पूरा एक व्याख्यान। आशा है कि आज के इस लेक्चर से आपको संविधान की प्रस्तावना को समझने में पूरी मदद मिलेगी। TCS एकेडमी के YouTube चैनल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर आप बने रहिए, यहाँ से लगातार आपके एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस, लाइव क्लासेस अवेलेबल कराती जाए रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे चैनल।